सुप्रभात बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने वाले सड़क, मैं सड़क हूँ। इस पाठ का नाम क्या है? मैं सड़क हूँ। सड़क यानी क्या? रास्ता। रास्ते पर हम चलते हैं, उसका उपयोग हमें होता है। और जैसे ही यातायात होती है उस सड़क पर, तो ऐसे एक सड़क अपने बारे में, स्वयं अपने बारे में कुछ कह रही है, यानी उसका उपयोग कैसे होता है। मैं सबके काम आती हूँ और मेरा उपयोग अच्छी तरह से करना चाहिए और मेरी देखभाल भी करनी चाहिए। तो देखो, इस पाठ का परिचय देखेंगे हम। सड़क पर हम चलते हैं, तरह तरह के वाहन भी सड़क पर दौड़ते हैं। सड़क हम सबके लिए बहुत उपयोगी है। यह पाठ आत्मकथन के रूप में है। इसमें सड़क स्वयं अपने बारे में बताती है। तो इस पाठ में स्वयं जो सड़क है अपने स्वयं अपने बारे में बता रही है। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले इसके शब्दार्थ देखेंगे। सेतु यानि पुल, वर्दी यानि गणवेश, यातायात यानि वाहनों का आना जाना, अनुशासित यानि नियंत्रित, नियमों के अनुसार बनाए रखना, दोष यानि गलती, कोलतार यानि अलग तरह। आगे देखो, तकनीक यानि क्या? तरीका, पद्धति कहते उसे, तकनीक यानि तरीका पद्धति, घाव यानि जख्म, दुर्घटना यानि अशुभ और बुरी घटना, परिसर यानि आसपास का क्षेत्र, खुशहाली यानि सुखी जीवन, संपन्नता, इच्छा यानि चाह, मर्जी। तो देखो, इस शब्द को आपको 5 बार लिखना है। तो आज हम इस शब्द आपको लिखकर उन्हें याद करना है। तो हम पाठ पढ़ेंगे आगे का, ठीक है? तो देखो, अभी मैं सड़क हूँ, सब मुझ पर चलते हैं। आदमी, रिक्शा, बस, साइकिल, सभी मुझ पर क्या है? इधर से उधर आते हैं, जाते हैं। बालक, जवान, बूढ़े, सभी के काम आती हूँ। मैं घर और विद्यालय के बीच सेतु हूँ। लोग मेरे किनारे मकान बना लेते हैं। सामान बेचने वाले भी मेरे दोनों ओर दुकानें लगाते हैं। तो देखो, मैं सड़क हूँ, सब मुझ पर चलते हैं। आदमी, जानवर, सभी, बूढ़े, जवान, बच्चे। इस पर देखो, आदमी है, रिक्शा है, बस है, साइकिल है, सभी मुझ पर इधर से उधर आ जाते हैं। बालक, जवान, बूढ़े, सभी के काम में आती हूँ। मैं घर और विद्यालय के बीच सेतु हूँ। मैं घर और विद्यालय के बीच क्या हूँ? सेतु हूँ। सेतु यानी क्या? पुल। लोग मेरे किनारे मकान बना लेते हैं। जो देखो, रास्ते के किनारे कैसे लोग मकान बनाते हैं, कुछ दुकानें भी लगती है और कुछ लोग जो छोटे मोटे होते हैं, यानी हाथगड्ढी पर सामान बेचते हैं, तो ऐसे सड़क का उपयोग होता है। सामान बेचने वाले भी मेरे दोनों ओर दुकानें लगाते हैं। चौराहे पर पुलिस का सिपाही वर्दी पहने खड़ा होता है। जो चौराहे होता है उस पर एक सिपाही होता है, वर्दी पहने खड़ा होता है। वो यातायात को नियंत्रित करता है, वो यातायात को अनुशासित रखता है, यानी नियंत्रित करना। रास्ता बदलने के लिए कई बार लोगों को मुड़ना पड़ता है, पर इसमें मेरा दोष नहीं है। मैं तो सदा सीधी चलने के लिए तैयार हूँ। अब देखो, लोगों को चलने के लिए रास्ता बदलना पड़ता है, तो इसका इस पर मेरा दोष है क्या? नहीं। तो ऐसे इस पर इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं तो सदा सीधी चलने के लिए तैयार हूँ। मैं तो हमेशा सीधी चलने के लिए तैयार हूँ। लोग अपनी ज़रूरत से कभी मुझे टेढ़ी नीची और ऊंची बना देते। अब देखो, मैं तो हमेशा सीधे चलने चाहती हूँ, लेकिन लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से, उनके मुताबिक क्या करते? मुझे टेढ़ी, ऊपर नीची, ऐसे बना देते हैं। मेरा प्रारंभिक जो स्वरूप कच्चा था, मेरा जो प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? कच्चा था। जो शुरुआत में देखो, पहले कैसे रास्ते होते थे? मिट्टी के, उसमें पत्थर होते थे, खड्डे होते थे बड़े बड़े। तो ऐसे पहले उनका स्वरूप वैसे था, कच्चा था। उस पर बैलगाड़ी, तांगा, ऊंट गाड़ी जैसे वाहन चलते थे। फिर भी कोलतार डालकर पक्की सड़कें बनने लगी। फिर बाद में जो कच्ची सड़कें थी उस पर बैलगाड़ी, तांगा, ऊंट गाड़ी जैसे वाहन चलते थे, लेकिन बाद में उसे कोलतार डालकर पक्की सड़कें बनाने लगे, यानी अलग तरीके से सीमेंट के ऐसे अलग अलग अभी सड़क बनाने लगे हैं। आजकल नई तकनीक आ गई है। देखो, आजकल नई तकनीक के कारण
सड़कें अच्छी होने लगी है और साफ़ सुथरी होने लगी। इस तकनीक में मुझे सीमेंट से बनाने लगे और इस तकनीक में जो सड़क है वो सीमेंट से बनाने लगे, आपको पता है। आगे देखो, अपना यह नया रूप बहुत अच्छा लगता है। दुख उस समय होता है जब लोग गंदा कर देते। अब देखो, इस रूप से मुझे बहुत अच्छा लगता है जो नई तकनीक के हिसाब से मुझे बनाने लगे सीमेंट से, तो इससे मुझे अच्छा लगता है। लेकिन दुख जब होता है, कब होता है? जब लोग मुझे गंदा करते हैं। लोग पान खाते हैं बिना सोचे समझे, यहाँ जहाँ जी में आया मुझ पर थूक देते। देखो कैसे लोग होते हैं कि जो पान खाते और वहीं पर रास्ते पर थूकते, तो इसको इसके कारण इस सड़क को दुख होता है। बिना सोचे समझे ही कहीं भी थूक देते हैं। लोग जगह जगह मुझे खोदकर गड्ढे बना देते हैं, और लोग जगह जगह खोदकर मुझे गड्ढे भी बना देते हैं। इसके कारण जो दुर्घटनाएं होती हैं वो बढ़ जाती है। इससे मेरे शरीर पर बहुत से घाव भी हो जाते हैं और इसके कारण मुझे भी दुख होता है। मेरे शरीर पर बहुत घाव होते और इसका नुकसान सबको भी है, यानी जो वाहन रास्ते से जाते हैं वो गड्ढे में जाकर गिर जाते हैं, उसमें किसी की जान भी जा सकती है। गड्ढों के कारण अनेक दुर्घटनाएं होती है, फिर भी न जाने लोग ऐसा क्यों करते हैं। बहुत सारी दुर्घटनाएं आपने देखी है, तो न जाने ऐसे लोग क्यों करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सदा साफ सुथरी रहना चाहती हूँ, सबको रास्ता दिखाना चाहती हूँ, और मैं तो सदा साफ सुथरी रहना चाहती हूँ और सबको मैं अच्छा रास्ता दिखाना चाहती हूँ। मेरे कारण देश में दूर दूर रहने वाले लोग एक दूसरे से आसानी से मिल जाते हैं। देखो हमारे जो रिश्तेदार हैं जो बहुत दूर रहते हैं, हम रास्ते के इस सड़क के कारण हम उनके पास जा सकते हैं और उनसे मिल सकते हैं। यह मुमकिन कैसे है? इस सड़क के कारण मैं जहाँ जाती हूँ वह परिसर विकसित हो जाता है। देखो जो सड़क होती है वो जहाँ से जाती है वहाँ का जो परिसर होता है, गांव शहर, वहाँ विकसित हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि हर गांव को एक दूसरे से जोड़ूँ। देखो सड़क की इच्छा क्या है कि मैं हर गांव एक दूसरे से जोड़ना चाहती हूँ, लोगों में मेल जोल बढ़ाना चाहती हूँ, और लोगों में जो मेल जोल है वो भी बढ़ाना चाहती हूँ। पूरे देश में खुशहाली लाना चाहती हूँ, और पूरे देश में मैं खुशहाली लाना चाहती हूँ। विश्वास है कि एक दिन मेरी इच्छा निश्चित ही पूरी होगी, और मुझे विश्वास है कि ये जो मेरी इच्छा है वो एक दिन पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो नई तकनीक के कारण जो सड़क है कैसे अच्छी तरह से बन चुकी है। तो इसके कारण हमें यातायात को भी जो आसानी से हम यातायात कर सकते हैं, यानी एक गांव से दूसरे गांव जा सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कैसे यहाँ पे ये जो पुल बना है सड़क के ऊपर से, तो इसके कारण भी हमें जो भीड़ होती है वो भी कम हो जाती है और हम आसानी से दूसरी इस रास्ते के माध्यम से अपने गांव जा सकते हैं। तो ऐसे ये सड़क है, ये महामार्ग है और ये ध्रुत गति मार्ग है, यानी नीचे से जो रास्ता है इसके ऊपर से भी हम ये पुल के माध्यम से जा सकते, इसे ध्रुत गति मार्ग कहते हैं। तो देखो ऐसे ये सड़क जो पाठ है यहाँ पे ख़त्म हुआ। इसमें जो कठिन शब्द है आपको 5 बार लिखने हैं, ठीक है, और इस पर जो स्वाध्याय मैं आपको अगले वीडियो में दे दूँगा, ठीक है, ओके।